हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र फिर एक बार आपसे हिंदी में ऑटोकैड ट्यूटोरियल लेकर मुखातिब हूँ। इसमें हम बात करेंगे किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे या ऑटोकैड में 3D में कैसे काम करेंगे। हम सभी जानते हैं कि 2D स्क्रीन में X और Y एक्सिस होता है, जो कि यहाँ पे विजिबल है, दिखा रहा है, ठीक है। बाकी जितने भी इंटरफेस स्क्रीन पे टूल्स और बाकी चीज़ें हैं आपको मैं बता चुका हूँ इन माई प्रीवियस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसमें हम फिर एक बार चर्चा कर देते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें एक बार यूनिट सेट कर लेना होता है, यानी किस यूनिट में हम लोग काम करने जा रहे हैं। हम यहाँ आर्किटेक्चर चूज करेंगे क्योंकि हम लोग फीट या इंच में काम करेंगे, 0 फीट 0 इंच, और यहाँ पर हम लोग इंसर्शन स्केल को फिट में ले लेते हैं। 3D Style Manager ऑन करेंगे, मॉडिफाई में जा करके उसे भी अपने हिसाब से आर्किटेक्चरल प्रिसीजन 0 फीट 0 इंच, टेक्स्ट साइज यहाँ पे अगर लाइमिंग समेत 100x200 रखना है तो कम से कम 9 इंच रख लेंगे। ओके, सेट करेंट क्लोज। नाउ लाइमेक्स यानी हमारे पेज का दायरा, इसे 100 फीट ले लेते हैं, ठीक है। चूँकि स्क्रीन डिफॉल्ट सेटिंग में था तो उसे जूम और कर लेना आवश्यक है, जेड इंटर और ए इंटर से जूम और हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हम दो 3D में कैसे जाएंगे। 3D में जाने के तरीके हैं, या तो व्यू कमांड दे करके या व्यू टूल बार एक्टिवेट करके, जैसे हमने व्यू टूल बार यहाँ से ले लिया, यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया इसे। इसमें हमें टॉप व्यू है, बॉटम व्यू है, साइड है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक और साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक है, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक है, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक है और नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक है। तो आइसोमेट्रिक के किसी भी हिस्से पे क्लिक कर देंगे, कोई भी ऑप्शन लेंगे तो ये 3D में चला जाएगा। या इसके अलावा हम लोग अगर वी इंटर करते हैं तो कमांड है व्यू का, उसमें हम जाएंगे और साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक यहाँ पे ले लेंगे, सेट करेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सिस जो है X, Y और Z शो कर रहा है, X लेंथ, Y विड्थ और Z यहाँ पे हाइट के लिए, ठीक है। कर्सर भी हमारा उसी तरफ पॉइंट कर रहा है। अब हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं 2D में। सपोज हमने लाइन लिया, लाइन से हमने एक शेप क्रिएट किया, इफेक्ट ऑन करेंगे और ऑर्थो के लिए हमने यहाँ पे 12 फिट की ए लाइन ली है, 12 फिट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा लाइन से बना हुआ है, ठीक है। तो 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें एक ऑप्शन होता है एक्सट्रूड का। तो एक्सट्रूड के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमारा क्षेत्र जो होना चाहिए वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, रीजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इसकी कॉपी रख लेते हैं कि हम दूसरे तरह के कमांड को भी इस पर दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पर हम लोग अप्लाई करते हैं एक्सट्रूड करने से पहले हमें क्या करना हो। हम पहले रीजन कमांड देंगे, REZ इंटर, रीजन के बाद हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इंटरफेस कर देंगे। ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आपस में चारों तरफ से जुड़ गया। विजुअल स्टाइल में इसे देखेंगे कि दिख कैसे रहा है, विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक में इस तरह से दिख रहा है। इसका कलर हम चाहें तो यहाँ से चेंज कर लें बाई लेयर, ठीक है।
अब इस ऑब्जेक्ट को हमें 3D में कन्वर्ट करना है, तो हम एक्सट्रूड कमांड देंगे। कौन सा कमांड देंगे? ext इंटर, ठीक है, सिलेक्शन था, एक्सट्रूड देते ही ये ऑप्शन ऑन हो गया। अब इसको हम लोग हाइट दे देंगे। सपोज हमने इसका हाइट दे दिया 5 फीट दे दिया, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। तो एक्सट्रूड करने से पहले हमें रीजन क्रिएट करना पड़ा। हम इसे पॉलीडिट करके पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते थे, बाउंड्री कमांड देके भी पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते थे, पर हमने यहाँ पे रीजन कमांड का यूज किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम चाहते हैं कि किसी और तरीके से इसे एक्सट्रूड करें। हम इसे प्रेस पुल करेंगे, क्या करेंगे? PRESPULL प्रेस पुल क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट को जो हाइट देना होगा या ड्रैग करके जो भी पोर्शन पर ले जाना होगा ले जा करके छोड़ दें, ठीक। इस तरह से भी 5 फीट का हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, हम इसके किनारे को हम लोग पॉली सॉलिड कमांड देकर के कन्वर्ट करना चाहते हैं 3D में। तो पी सॉलिड इंटर, इसके बाद हम लोग लेंगे हाइट। हाइट हम सपोज कीजिए 5 फीट ले रहे हैं, विड्थ ले रहे हैं हम, दीवार जिस दीवार की मोटाई 9 इंच रखना चाहते हैं 9 इंच ले लेंगे, ठीक है। जस्टिफिकेशन सेंटर रखना चाहते हैं सेंटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, वो इंटर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से क्या है, जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे 3D में दीवार बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग 3 ऑप्शन है, एक तो है आपका एक्सट्रूड, दूसरा है फेसपुल, तीसरा है पॉलिशन। अब आते हैं हम इसमें से किसी हिस्से को हटाना चाहें। किसी भी हिस्से को हटाने को हम लोग सब्सट्रैक्शन कहते हैं। सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस कर देना या उसमें से कम कर देना। उसके पहले जो हिस्सा हमें माइनस करना है उस हिस्से को हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, नहीं रहा है कि हाँ हमने एरिया कितना लिया है। विजुअल स्टाइल लेकर के 2D ले लेंगे, हाँ अब दिख रहा है कि हमने ये ऑब्जेक्ट लिया है। इसकी कॉपी हम लोग हर जगह प्लेस कर दें, दोनों ऑब्जेक्ट पे हम इसको यूज करके देखेंगे। अब क्या करेंगे, विजुअल स्टाइल फिर चेंज करेंगे, हम लोग रियलिस्टिक में आ जाएंगे। अब हम लोग करेंगे ext इंटर, देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको हम लोग निगेटिव में एक्सट्रूड करेंगे, माइनस 5 फीट हम ऊपर आए थे तो 5 फीट नीचे चले जाएंगे, ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे कि सीधे सीधे su सब्सट्रैक्ट के लिए कमांड देंगे, फिर बाहर वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर अंदर वाले ऑब्जेक्ट पे, अंदर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब तक शो नहीं करेगा तब तक क्लिक नहीं किया जाता, ठीक है। करते ही ये क्या हो गया, ये पोर्शन यहाँ से रिमूव हो गया है, कट गया है, यानी आर पार होल है एक तरह से सी थ्रू। यहाँ पे भी हमने एक रेक्टेंगल बना रखा है, इसमें हम लोग प्रेस पुल का यूज कर रहे हैं कि आप प्रेस पुल से हम लोग इसे अंदर की तरफ माइनस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ये भी कट गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम इसे, इस ऑब्जेक्ट को हमने होल कर दिया है। ऑर्बिट करके भी देख सकते हैं इसे कि हमने जो किया है वो दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। इस तरह से इस वॉल पे हम लोग कुछ अगर बनाना चाहते हैं तो इस वॉल पे ड्रॉ करने के लिए हमें इसका फेस लेना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं UCS इंटर
एफ इंटर यानी फेस सिलेक्ट करेंगे। ओके, बहुत सारे वर्जन में ऑटो सिलेक्ट होता है, आर ई सी। अब इस पर रेक्टेंगल एक बनाएंगे अपने जरूरत के हिसाब से। देखा जाए 2D में जाकर के क्या रेक्टेंगल दिख रहा है, हाँ बन गया है। अब इस रेक्टेंगल को हम लोग EXT करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। 9 इंच का होगा तो 9 इंच करेंगे, बाहर की तरफ आ रहा है, हम इसे माइनस में कर दें, तब निगेटिव में कर दें माइनस। अब एस यू सब्सट्रैक्ट बाहर वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर अंदर वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें होल हो गया है। इस वे हम लोग 2D से कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब आते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से जरूरी कमांड हैं जो 3D में यूज किए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग कि अगर ये एक्सट्रूड हमने किया है तो क्या ये हर तरह के ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। तो मेरा कहना है कि हाँ, ये हर तरह के ऑब्जेक्ट यानी जो क्लोज्ड सर्कल एरिया है उसमें ये काम करेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, अब इसको हम लोग एक्सट्रूड करना चाहते हैं। हमने चूंकि फेस ले लिया है इसलिए पीछे की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। यूसीएस को फिर हम लोग वर्ल्ड में ले आते हैं कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। यूसीएस इंटर डब्लू इंटर पुराने वर्जन में यूसीएस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे अपग्रेड होता जाता है यूसीएस अपने आप एक ऑटो एडजस्ट करने लगता है, लेकिन आपको 10th तक आपको ये सब सोचना पड़ेगा कि यूसीएस को कैसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदलें। इसमें डब्लू हो सकता है, डब्लू स्टैंड फॉर वर्ल्ड, यानी आप कोई भी जमीन पर पड़ी हुई वस्तु है उसको शो करना है तो आप यूसीएस वर्ल्ड रखेंगे। का एक किसी सरफेस पे आप उसको दिखाना चाहते हैं तो UCS फेस रखें, XY तो है। अब चलते हैं, अगला कमांड है कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कैसे करें। रिवॉल्व करने के लिए आपको पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सपोज आपने एक पॉलीलाइन क्रिएट किया, यहां से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, इस एक्स्ट्रा एरिया को हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अब हम देंगे रिवॉल्व कमांड, REV इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे इंटर। अब पूछता है कि स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट। सपोज हमने यहाँ से शुरू किया और एक्सिस एंड पॉइंट हमने यहाँ पे इंड किया इसे, ठीक है। अब कहता है कितने डिग्री पे इसको रोटेट करना, रिवोल्यूशनाइज करना है आपको। आपने 360 डिग्री सेट कर ली। इस तरह से आप देखोगे कि ये सिंपल सा दिखने वाला लाइन इस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब आप चाहें तो इसे 3D रोटेट ऑप्शन से 3R से सीधा कर लीजिए अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है।
इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं 3D का। अगली चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो है लॉफ्ट कमांड। लॉफ्ट कमांड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत सी चीज़ों को आप बना सकते हो इसके सहारे। एक सर्कल बनाया हमने, बड़ा सर्कल बनाया और थोड़ा सा मूव करके उसको हाइट दे दिया। लॉफ्ट करेंगे हम लोग लॉफ्टिंग ऑर्डर में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हो गया। इंटर करेंगे, कह रहा है क्रॉस सेक्शन ओनली। इस तरह से शेप क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें देखेंगे कि आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। सॉरी, स्टार्ट एंगल है, इंड एंगल है, यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करके शेप को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लॉफ्ट कमांड का भी बहुत अच्छी तरह से यूज करके अपने पसंद की चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लॉफ्ट के अलावा जो 2D से 3D ऑब्जेक्ट ने बदलने में काम आता है वो हो गया एक स्वीप कमांड। स्वीप कमांड भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंटर, एक सर्कल हमने बनाया, इसके लिए आपको पाथ देना जरूरी होता है जिस पाथ पे आप स्वीप करना चाहते हैं। इस WWE P स्वीप, ठीक है, इसमें अलाइन करेंगे और ये किसी पोजीशन में हो, यस, इसके बाद आप पाथ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक सर्कल पड़ा हुआ था, एक लाइन पड़ी हुई थी, उन दोनों को मिलाकर इसने एक सिलेंडर क्रिएट कर दिया। तो तीन चार ये महत्वपूर्ण कमांड्स हो गए जिसकी चर्चा हमने आज की है। फिर अगले लेशन में हम बाकी 3D कमांड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कृपया मेरे चैनल को देखना और सब्सक्राइब करना न भूलना। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।